नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। संवाद दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पेशे से सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम आदमी पार्टी की कमान प्रेसिडेंट के रूप में संभाले हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रेम गर्ग साहब। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। गर्ग साहब, कोरोना के चलते जिस तरह से आज इस महामारी के कारण देश और दुनिया में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, आज चर्चा का विषय भी हम कोरोना इसीलिए लेकर आए हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए, जहां आपकी अपनी सरकार है, केजरीवाल साहब वहां मुख्यमंत्री, जो वहां आपके जो उपाय किए गए कोरोना को लेकर, जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने प्रॉम्प्ट, मैं कहूंगा कि जिसपे एक्शन लिया उन्होंने, चाहे वो लाखों लोगों तक खाना पहुंचाने वाली बात हो या कोविड को से रिलेटेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार करने की बात हो, तो ऐसा आपने यहाँ चंडीगढ़ में कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी सरकार नहीं है यहाँ पे, तो वो तो एक अलग एंगल आएगा कि चंडीगढ़ में आम आदमी की सरकार नहीं है, बावजूद चूंकि पार्टी कही गई है कि ग्रास रूट लेवल पे ही हमेशा काम होता है हमारा आम आदमी पार्टी का, आई थिंक ये एक मोटो रहा है जब भी बात की गई है, केजरीवाल सरकार जब भी बात करती है इस पे, तो आपने इस बात को कैसे इंश्योर किया चंडीगढ़ में कि कोरोना को आप किस तरह से फाइट करें? ऐसा है, जैसे आपने खुद ही बताया कि चंडीगढ़ में कोई हमारा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं रहा अभी तक। एक हमारे वॉलंटियर्स की टीम है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई एमसी है ना कोई एमपी है, तो जितने भी हमारे वॉलंटियर वो इंडिविजुअल लेवल पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी गाइडेंस के साथ, मेरे कोऑपरेशन के साथ, जितना भी हम हो सकता है हर घर तक, हर जरूरतमंद तक पहुंच रहे हैं। हमने काफ़ी अपने लेवल पे राशन भी हमारे वॉलंटियर्स ने बांटा, अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके, कई लोग अपने घरों में मास्क बना रहे हैं, मास्क दे रहे हैं लोगों को, कई एक दो वॉलंटियर हमारे इवन पीपी किटें खरीद के अपने पास से दी हैं, और मैंने खुद मके 5 किलो के आटे के बैग खुद खरीद के अपने वॉलंटियर्स को दिए बांटने के लिए। और हमारी कोशिश, कुक फूड भी हमारे कुछ वॉलंटियर है इधर मोलया साइड पे, उन्होंने कुक फूड हजार लोगों को रोज का बना के दिया है। दड़ुआ में है, मलोया में है, धनास में है, फैदा गांव में है, सब जगह पे हमारे वॉलंटियर जो जितने भी कर सकते हैं, जो जितनी समर्थ है, सब ने अपने अपने लेवल पे। क्या दिल्ली से इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शन आपको आए पार्टी हाईकमान से, किसी तरह की गाइडलाइन इशू हुई है कि किन लाइंस के तहत, या कोई बजट इशू किया गया है? नहीं भाई, हमारी पार्टी के पास कोई पैसे ऐसे नहीं है कि पैसे बांटती है या पैसे हैं। आपको पता होगा कि पार्टी कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पार्टी नहीं है दूसरी पार्टी की तरह। चंडीगढ़ तो हमारे पास एक भी पैसा हम सेंटर से नहीं लेते हैं, हमारे वॉलंटियर यहीं पे खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद ही करते हैं। आज तक हमने कोई सेंटर से समाज सेवा के रूप में, समाज सेवा के रूप में ही चलते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो भी बहुत जरूरतमंद, इवन हमारे वॉलंटियर जैसे मेरे को, आप देखो रोज 10-20 लोगों के फोन आते हैं कि मेरे को राशन नहीं मिल रहा, मेरे को दवाई नहीं मिल रही, तो मैं अपने वॉलंटियर को साथ ही, जो उस एरिया में वॉलंटियर रहते हैं उसको साथ ही मैसेज करता, भैया जाके इसके घर पे राशन दे के आओ, इसको दवाई दे के आओ। अभी कल परसों मेरे को किसी का कहा जी मेरे पास तो दवाई नहीं है, वो उसकी बीपी की मशीन नहीं है, मैंने कहा ठीक है बीपी की मशीन मैं भिजवा देता हूँ। इस तरह से हर रोज हम 10-5 फैमिली को, तो मैं खुद देखता हूँ कि उनके घर पे कुछ ना कुछ पहुंच जाए। गर्ग साहब, जैसे पहला केस आया तो उसके बाद पंजाब को फॉलो करते हुए और चंडीगढ़ भी और हरियाणा, फिर सब लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू का दौर चल पड़ा काफी अर्से से, 22 तारीख से ही जब से लॉकडाउन चला। अब अगर हम देखते हैं तो केस पिछली बार से ज्यादा, अभी के आज हालात देखें तो आज हाँ, जैसे बापूधाम से एकदम से एकदम से आने लगे हैं, बाकी सेक्टर्स भी, 27 सेक्टर से भी एक केस पॉजिटिव आया है और लॉकडाउन खोल दिया गया है, तो इस पे आम आदमी पार्टी का क्या? मेरे तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मैं इस हक में था, पहले सबसे पहले हम ही लोगों ने आवाज उठाई थी कि कर्फ्यू लगना चाहिए। आई थिंक 18 मार्च को ही मैंने एडवाइजर साहब को भी लिखा था, सबको लिखा था कि यहाँ पे लॉकडाउन हो जाना चाहिए। तो क्या अभी आपने अपोज किया है फिर अभी? नहीं, बताइए एडवाइजर को। अब जब 40 दिन हो गए तो अब मेरा मानना है कि अब ये धीरे धीरे खुलना चाहिए। पर केस तो बढ़ रहे? कोई बात नहीं, केस तो बढ़ेंगे, ये तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। आप कब तक, आखिर में साल 2 साल तक तो आप लॉकडाउन नहीं कर सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक रही है, उससे क्या लोग भूखे मर रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगी अगर हम लॉकडाउन करें, तो लॉकडाउन तो खुलना ही चाहिए, लेकिन हाँ धीरे धीरे खुलना चाहिए, फेज्ड मैनर में। ओड इवन का जैसे है, एक दुकान
खुली रहे, उसके आसपास की दोनों दुकानें बंद रहे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है। मैंने तो एडवाइजर साहब को ये भी किया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप व्हीकल को भी ऑड इवन कर दो दिल्ली के पैटर्न पे, उससे कहा आधी व्हीकल चलेंगे आधी व्हीकल नहीं चलेंगी। वो पहले दिन इन्होंने कर भी दिया, फिर शायद लोगों ने ऑब्जेक्शन की, किसी पोलिटिकल पार्टी ने ऑब्जेक्शन की होगी, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन विदड्रॉ कर ली थी। लेकिन मेरा ही ये सुझाव था कि व्हीकल ऑड इवन चलनी चाहिए। सरकार सर ठेके खोल रही है, कह रही है कि हमें राजस्व नहीं मिल रहा, हमारी रेवेन्यू में दिक्कत आ रही है, ठेके जरूरी हैं। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है कि ठेकों से, क्योंकि मेरे को लगता है अब तो सरकार का अर्थशास्त्र नहीं चला रहे, मेरे को लगता है बेवड़े ही सरकार चला रहे हैं, जो मेरे को लग रहा है जो अखबार में 20% तो रेवेन्यू जो है वो सिर्फ इसी से आ रहा है, शराब से ही आ रहा है। और बाकी आपने देखा होगा सरकार ने एकदम से लिक्विड इसकी डीजल की और पेट्रोल की प्राइस बहुत हाई रेज कर दी, 10 रुपए तो शायद इसने एकदम से एक्साइज भी बढ़ा दिया। तो जबकि आपने देखा पाकिस्तान का कल ही आ रहा था कि 47 रुपए पर लीटर डीजल उन्होंने प्राइस रिड्यूस की है, तो अब 69% इस वक्त टैक्सीज हैं पेट्रोलियम प्राइसिस में, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाई है। तो ये क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज जो है आम पब्लिक पे बोझ पड़ेगा, अगर आपने डीजल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ेगा तो उस पे ट्रांसपोर्ट पे, पर दिल्ली सरकार ने भी तो कोरोना सेस लगाया है सर उस पे। तो वही ना, मैं कोई जो भी दिल्ली सरकार ने जो करते वो सारा कुछ ठीक ही होता है। पार्टी को भी ये कहना चाहूंगा कि भी हमें जो है, क्योंकि उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि 400 करोड़ रुपया ही 4000 करोड़ के अगेंस्ट अप्रैल में हमें टैक्स है, तो एकदम से हो सकता है जर करेक्शन की हो, या उनको पता है कि सारे स्टेट्स करने जा रही हैं, तो ये लगभग पहले केजरीवाल साहब ने कहा, अगले दिन पंजाब ने भी कर दिया, सब स्टेट्स ने आपने देखा होगा कर दिया, तो ये एक नेसेसिटी है। लेकिन चंडीगढ़ में भी आज कर दिया इन्होंने 5% बढ़ा दिया वैट, तो ये तो सारे इंडिया में करते हैं और सेंटर ने भी कर दिया आपके सामने जी। तो वो तो एक सरकार की मजबूरी होगी, लेकिन एक जो फंडामेंटल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होना चाहिए एज ए सीए, आई एम टेलिंग यू कि इसको देश को 50% चलना चाहिए, इस वक्त 50% चल पड़ना चाहिए ऑड इवन पे, सारे देश को चलना। जैसे मैं हूँ, मैं 3 दिन अपना ऑफिस चलाऊँ, 3 दिन मैं घर पे रहूँ जी, 3 दिन मैं गाड़ी चलाऊँ, 3 दिन गाड़ी ना चलाऊँ, ऐसे सारा देश जो है ताकि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो और जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं वो अपने जॉब से रिजाइन भी कर सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए छोड़ भी सकते हैं, जो 65 साल से ऊपर वाले वैसे ही रोके हुए, तो 65 साल से ऊपर वाले को आपको जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना जॉब छोड़ दें, अपने घर पे बैठे अपने बच्चों को खिलाएं और रिलैक्स करें। जैसे गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर करते, जो 65 साल के हैं वो रिटायर हो जाए, उससे क्या है कि देश की इकोनॉमी जो एकदम झटका लग रहा है ना, वो झटका नहीं लगेगा और उससे क्या है देश की इकोनॉमी धीरे 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 अपनी पटरी पे आ जाएगी। अभी इन दिनों में अगर देखा जाए तो जब आपकी दिल्ली में सरकार इतने भारी बहुमत के साथ आई, तो आपने एक शायद घोषणा की थी कि इस बार के एमसी इलेक्शन आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी, तो क्या वो जो सीट्स पर, चंडीगढ़ की उन सीट्स पर जिन कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बन के खड़े होना है, क्या वो आज आपके साथ? हाँ, मैंने आपने पढ़ा क्या ये वही कार्यकर्ता है जो आपके साथ वॉलंटियर का काम करते हैं? हाँ, हमने एक सुपर 30 के नाम से एक कैंपेन चलाई है, उसमें हमने आह्वान किया सारे चंडीगढ़ के बुद्धिजीवियों को जो बहुत अच्छे ईमानदार और जिन्होंने बहुत अच्छा तजर्बा है और जो कुछ करना चाहते हैं उनको, सबको हमने इनवाइट किया था अखबारों के जरिए। और जी जी, हमें याद है आपने आवेदन मंगवाया, तो हमने उसमें काफी लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस के एसपी लेवल के लोग हैं, काफी लोगों ने मेरे पास अप्रोच किया था कि हम उसमें आना चाहते हैं, कि हम ये एक पैरेलल शेडो एमसी बनाना चाहते हैं राधा रवि से, ताकि जो एमसी में एजेंडा जा रहा है वो पहले हम डिस्कस करें, हम सुपर 30 की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ उसके सोल्यूशन दें एडमिनिस्ट्रेशन को या एमसी को, और उस पर जो अगले दिन उसकी मीटिंग होगी उसमें वो चीज डिस्कस हो, मैं ये कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे हमने शुरू करने का प्रोग्राम उस वक्त कोरोना का आ गया, तो इसलिए पिछले 1.5-2 महीने से कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब जैसे ही कोरोना का खुलेगा तो हम उनको सबका एक एक जो भी हमारे कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको बुलाएंगे, उनको बुला के उनको पूरी तरह एक्टिवेट करें, हम बल्कि एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 4-4 घंटे का 12 हफ्ते तक वो प्रोग्राम चलेगा, उसमें हम सबको पब्लिक स्पीकिंग कैसे उनको अच्छे लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उस तरह से प्रोफेशनली हम तो लेके आ रहे हैं। गर्ग साहब, इसी बात पे, चूंकि इलेक्शन और उम्मीदवारों की बात चल पड़ी, कोरोना से हटके है ये सवाल मेरा, 2014 लोकसभा इलेक्शन और 2019
कहना चाहेंगे कुछ? हाँ, मोदी जी के नाम पर पड़ेगा। आप अगर देखोगे कि जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनको आपने कोरोना के टाइम पे कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ये नहीं वो जैसे अपने वीडियो रिकॉर्ड भेज रहे हैं कि मैं घर पे बैठी हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। आप ये बताइए कि बाकी सब अफसर जब रोड पे आके मिल रहे हैं तो क्या वो एक बार भी शहर में आके नहीं देख सकते कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? पर वो टच में तो है, एडमिनिस्ट्रेशन के टच में है। टच में होना एक और बात, पुलिस और प्रशासन के साथ टच में होना, आपने फोन पे एक करना, एक लोगों के पास जाके सांत्वना देना, लोगों का साथ खड़े होना टाइम पे। ये तो काम बॉम्बे पे बैठ के कर सकते हो आप, दिल्ली से चंडीगढ़ से, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। जब आप शहर के सांसद हो तो क्या आपका फर्ज में था क्या लोगों के पास जाके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तो आप कर सकते हो ना? तो दूसरा क्या है, जैसे बड़े एक अजीब सी बात है, उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मैंने अपना 2 साल का MP जो फंड है वो मैंने दे दिया। वो उन्होंने थोड़ा बहुत सारे सांसदों ने दिया, सारे इंडिया के। वो तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया कि सारे सांसदों का फंड ले, तो उन्होंने बहुत बड़ी एक कौन सी अचीवमेंट कर दी। दूसरा वो अभी भी ये बोस्ट कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपये मैंने चंडीगढ़ के लिए दे दिया, लेकिन मेरे ख्याल से वो 1 करोड़ रुपया तो कहीं मिला नहीं किसी को, क्योंकि वो तो पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया सारा। तो इस तरह के मगे लोगों को मिसगाइड करना या लोगों को अपने वाहवाही करवाना ये कोई बहुत बढ़िया नहीं है। तो क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भी एक बार उठाएगी? नहीं, मुद्दे का हमारा ये मेरा खर्च रहता है, हम अपने जो भी अपोजिशन पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, जो भी हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको हम बहुत ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करते पर्सनल, कभी किसी पे अटैक नहीं। तो एक जस्ट क्योंकि एक पॉइंट रेज हुआ इसलिए मैंने बताया कि अगर इसकी जगह शायद बीजेपी का कोई लोकल कैंडिडेट होता वो शायद लोगों के साथ खड़ा होता और वो ज्यादा बेटर होता। पर आपने मैडम की कार्यशाली पर तो क्वेश्चन मार्क करके दिखाई दिया। नहीं, क्वेश्चन देखो ये नहीं कि हम आंख मूंद के बैठे रहेंगे, हमें भी उनको पूछना तो है ना कि आपको करना चाहिए, लेकिन मैं कोई पर्सनल उन पर अटैक नहीं कर रहा कि उन्होंने ये नहीं किया बोल के, लेकिन हाँ उनको इस मौके पे लोगों के पास जाके लोगों को सांत्वना देनी चाहिए थी। कुछ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तरीके से अपीयर हो सकते हैं पब्लिक में। अब एडवाइजर साहब भी तो जाते हैं, बाकी सब लोग भी तो जाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं कि वो नहीं जाते, तो उनको जाना चाहिए। दूसरा जो ये आम आदमी पार्टी का आपने कहा कि क्या करें, एक आपने देखो हम इसके अलावा भी सोशली बहुत कुछ कर रहे हैं चंडीगढ़ में। अभी आपने देखो जितने चंडीगढ़ में पेड़ थे, पेड़ों के आसपास कंक्रीट और ये सीमेंट लगा दिए तो सारे पेड़ मर रहे थे, तो हमने बहुत कोशिश करके एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पड़ के कुछ और प्लांट ट्री लवर्स को लगा के साथ, तो आपने देखो 20-25 हजार पेड़ों के आसपास से जो जगह कंक्रीट था वो हटवाया और उससे 20-25 हजार पेड़ों को मरने बचाया। और मैं पर्सनली भी मैं जैसे चंदन के पेड़ चंडीगढ़ में किसी को पीछे 6 महीने तक किसी को ये भी नहीं पता कि चंदन क्या होता है, लेकिन अब चंडीगढ़ में मैंने 2-2.5 हजार पेड़ पिछले साल लगाए, अभी भी 10 हजार पेड़ इस साल कोशिश है कि हम चंडीगढ़ में लगाएंगे। तो उससे क्या है कि एक ये एक चाहे इसका पार्टी से कुछ नहीं है लेकिन एक अच्छा संदेश जाता है कि हम जो है वातावरण को शुद्ध करें, क्योंकि आप हैरान होंगे कि देश में जो पर पर्सन एवरेज है वो 28 पेड़ पर पर्सन है, लेकिन चंडीगढ़ में 13 लाख की पॉपुलेशन अगर है तो 13 लाख टोटल पेड़ शायद नहीं होंगे, तो चंडीगढ़ में एक इंसान को एक पेड़ मिला, जबकि हम कहते हैं चंडीगढ़ बहुत हरा भरा शहर है, तो चंडीगढ़ में तो कम से कम 50 लाख पेड़ लगाने की अभी गुंजाइश है जो कि लगने चाहिए। तो ये भी मेरा एक संदेश है कि अब जैसे कोरोना में लोग घरों में बैठे हैं, लोगों को ये चाहिए कि फ्री बैठे तो कम से कम पेड़ और हरियाली के लिए प्रयत्न करें। बहुत बढ़िया। इस बार अब आपको नहीं लगता कि आप चाहे पार्षद के लिए अपने उम्मीदवार की तलाश में हैं और जो कोरोना को लेकर जिस तरह सरकार ने अब जो कवायद शुरू की है और जिस तरह से कोरोना पे कंट्रोल किया गया भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, नहीं ये तो भारत सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं किया, तो हम पब्लिक ने किया कंट्रोल। इसका क्रेडिट जो है ना, हम हर एक चीज का क्रेडिट थाली बजाओ या ताली बजाओ हर एक चीज के लिए मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी ने सब कुछ किया। इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, IAS अफसर कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, पर प्रॉम्प्ट एक्शन तो सरकार की तरफ से लिया गया। सरकार बाकी कंट्रीज में तो सरकार ही कर रही है ना, कोई यहाँ पे कोई ऐसा, या तो ये होता ना कि यहाँ पे 100 केस भी ना, फिर तो हम मानते हैं कि देखो जी ने बहुत बार चमत्कार कर दिया। हर एक कंट्री में सिर्फ 8 कंट्री को छोड़ के इटली और स्पेन वगैरह छोड़, बाकी सारे कंट्री में कंट्रोल है ही ना, तो वहां भी तो इसका गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये कोई यहाँ कोई या तो मोदी जी ने कोई मैजिक स्टिक चला दी होती ना कि यहाँ पे देखो जी कोरोना नहीं हमने बढ़ा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन अभी खोला गया है आप सहमत हैं सरकार के? हाँ, पार्शियली खुलना चाहिए, क्योंकि देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चलनी ही चाहिए। अब खेती है, एग्रीकल्चर है, उसको कैसे आप रोक लोगे? अगर आप इसको लॉकडाउन रहता तो सारी गेहूं तो सड़ जाती, ऐसी अब अगर इंडस्ट्री चलेगी तो उसको फिर आप प्रोसेसिंग कैसे करोगे आगे? अर्थप्रकाश टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह? मैं तो ये कहूंगा सबको आज की डेट में कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग में आप अपने ऑफिस में जाइए, अपना काम कीजिए, लेकिन
आप अपना एक सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, आप घर से जितना कम से कम हो सके उतना घर से बाहर निकले, और आपकी सेफ्टी, जैसे कहते हैं सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी, ये अब जिम्मेवारी आपकी, आप सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं, सरकार ने जो करना था अपना कोशिश कर दिया, आपको बता दिया, 40 दिन आपको घर में रखे, आपको बच्चे से छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े को सब समझ आ गया कि कोरोना से कैसे बचना है। और इसलिए मेरा भी आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब अपनी सेफ्टी खुद कीजिए, अब दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहो, और अपने बुजुर्गों को घर में जो है वो अपने संभाल के रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरा है बुजुर्गों को और बच्चों को है, और उनको बचा के रखिए, यही मेरा कहना है। तो आज थे हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष। संवाद में दिनेश के साथ फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मौजूद मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।